चलिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स की कि फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से हम सारी एडजस्टमेंट्स को डील इन करेंगे। देखिए, मैं आपको बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स को लेके समझाने जा रहा हूँ। पहले आप उसको समझिए, फिर आपके सामने अगर एग्जाम में कोई नई एडजस्टमेंट भी आ गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लस जितनी एडजस्टमेंट्स मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं? सर, रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में। जर्नल के बाद हम उसको पोस्ट करते हैं। पोस्ट कहाँ पे करते हैं? सर, हम पोस्ट करते हैं उसको लेजर में। ठीक है, यही होता है। उसके बाद लेजर से जो भी बैलेंस आपका निकलता है, जो भी बैलेंस निकलता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है समराइज करना। समराइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और जितने भी बैलेंसेस आते हैं वो सारे के सारे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस में। तो बेसिकली सबसे पहले आती है जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनता है आपका? लेजर। और लेजर के बाद वही चीज़ जो बैलेंस निकलता है, जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर। यही होता है। अब एक बात, एडजस्टमेंट में कोई चीज़ गिवन है, इसका मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपको एक ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पर ध्यान से समझना ज़रा, डेबिट क्रेडिट, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है से 20 रुपये का। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन, लाइक ये डेप्रिसिएशन जो है वो आपको नीचे गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आप एक चीज समझो। देखो बेटा, अगर ये चीज यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, ये डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में वो कब आया होगा? जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई होगी, रिकॉर्ड होने के बाद पोस्ट हुई होगी, और फिर वो बैलेंस जो है वो कहां पर आया? ट्रायल बैलेंस के अंदर आया। आप मेरी इस बात से एडमिट करते हैं? मतलब वट एवर इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब मुझे इतना समझ में आता है कि जो भी ट्रायल बैलेंस में मुझे दिख रहा है, एटलीस्ट उसकी जर्नल एंड लेजर रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग हो चुकी है, तभी वो मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। समझ में आया? तो आपने एक कॉन्क्लूजन बनाया, सबसे पहले वट एवर, ये नोट कर लीजिएगा, वट एवर बैलेंसेस आर अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स द ट्रांजेक्शन हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड। उसको हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं एंड पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, बट बेटा जो चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रही, जैसे डेप्रिसिएशन, इसका मतलब इसकी ना जर्नल हुई ना इसकी रिकॉर्डिंग हुई। यही मतलब हुआ? मतलब इफ आइटम इज अपियरिंग इन, इफ आइटम इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, सॉरी, इफ आइटम इज नॉट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इट मींस ट्रांजेक्शन has not recorded and posted। यही मतलब समझ में आया? मतलब हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, और रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ऑब्वियस है कि पोस्ट नहीं हुई। इसका मतलब अगर रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ही नहीं हुई, एडजस्टमेंट का मतलब कि कोई चीज दिख रही है एडजस्टमेंट में, मतलब वो चीज ना रिकॉर्ड हुई है और ना ही वो चीज पोस्ट हुई है। आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आती हैं होपफुली? अब ध्यान से समझिए, रिकॉर्ड नहीं हुई, पोस्ट नहीं हुई,
मतलब कैन आई से कि एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट द एरर ऑफ ओमिशन, ये बात मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता? तो अगर वो एरर ऑफ ओमिशन है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मली एंट्री को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या बोल गए सर आप? ध्यान से समझो इस चीज को, मेरे बड़े ध्यान से सुनना और समझना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बस इतना भी तक आपको समझ में आ गया, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज दिख रही है मतलब वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड पोस्ट हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रही, ना रिकॉर्ड हुई ना पोस्ट हुई। अब ध्यान से समझिए, प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि मैं जर्नल बना चुका, जर्नल के बाद लेजर बना चुका, लेजर के बाद मैं ट्रायल बैलेंस बना चुका, तीनों चीजें बन चुकी। मतलब ट्रायल बैलेंस बनने का तो मतलब ही यही हुआ कि कहीं ना कहीं जो लेजर्स हैं वो मेरे क्लोज हो चुके हैं, जर्नल बुक्स जो हैं वो मेरी क्या हो चुकी हैं, क्लोज हो चुकी हैं। और उसके बाद मुझे ये पता लगता है कि भैया ये डेप्रिसिएशन हो गया 20 रुपए का, या कुछ भी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड इनकम हो गया, बहुत सारी है वो मैं आपको सब बताऊंगा बाद की बातें, इन सबको मैं रिकॉर्ड एंड पोस्ट करना ही भूल गया हूं, तो क्या करें? तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली क्योंकि मेरे जर्नल लेजर क्लोज हो चुके हैं तो मैं उनको दोबारा से रीओपन नहीं कर सकता, तो अब मुझे जो भी मेरी एरर्स और ओमिशंस हो गई हैं उनका सीधे इंपैक्ट फाइनल अकाउंट्स के अंदर लेना पड़ेगा। ये बात इतनी आपको समझ में आनी चाहिए, बस मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखें इसको, सॉरी। सिंस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट मींस जर्नल एंड लेजर हैज ऑलरेडी closed. Now to record these transactions we need to take direct impact in final accounts. अब सर आपकी ये बात तो समझ में आ गई, सिंस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड मी जर्नल एंड लेजर हैड बीन क्लोज, नाउ टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन वी नीड टू टेक डायरेक्ट इंपैक्ट इन फाइनल अकाउंट्स। अब ये क्या है, बस ये थोड़ा सा समझा दो, बाकी सब समझ में आ गया, यही ना, बाकी सब आ गया, ये नहीं आया थोड़ा समझ, मतलब कुछ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होगे लेकिन पूरा समझ में नहीं आया। अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद सारी एडजस्टमेंट आपसे पूछूंगा, सारी ए टू जेड, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको दी, एडजस्टमेंट के अंदर मैंने आपको बोला, ध्यान से देखिए कि ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी आपको, एक ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट फर्नीचर, हमारा फर्नीचर है से 10,000 रुपीज का, ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर, आपको ये दिया हुआ है। अब आपको इतना समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए तभी एडजस्टमेंट में। अच्छा, चार्ज करते तो क्या करते सर? एंट्री, मतलब अगर करना भूल गए ये है ना, एक बार ये बताओ, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो एंट्री क्या करते? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट, यही करते, मतलब टू फिक्स्ड एसेट नहीं, फर्नीचर है यहां पर तो मैं फर्नीचर का ही नाम लूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने से? सर 10% है तो 1,000 से करते। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये एंट्री आप क्यों करते, देखो मैं यहां पर एंट्री के पीछे लॉजिक पूछूंगा, और अगर प्लीज आपका जर्नल एंट्री वाला पोर्शन वीक है तो यूट्यूब पे अकाउंट्स बेसिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 4-5 वीडियोस हैं बस,
4 to 5 वीडियोस, प्लीज़ एक बार आप उन्हें देख लो ताकि आपके अकाउंट्स में एटलीस्ट ये जर्नल वाला जो बेसिक अगर किसी का वीक है तो वो वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जर्नल का बहुत ज़्यादा रोल है। चलिए डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर करते, क्यों करते? क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रही है सर, इसलिए, और डेप्रिसिएशन इसलिए डेबिट करते क्योंकि वो एक्सपेंस है, यही करते ना हम। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ले लेते हैं कैसे, आप एक बात बताओ, हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, यस सुनो, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में डेबिट साइड सारे एक्सपेंस आते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है कि यहां ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और यहां क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही तो सिखाया था बेशर्मो, भूल गए क्या है? बैलेंस शीट में यहां असेट्स और यहां लायबिलिटी, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, फर्नीचर पर है, कौन सा एक्सपेंस लूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानता हूं जब तक स्पेसिफिकली कुछ ना लिखा, तो मैंने क्या करना है इसके अंदर, मैंने डायरेक्ट इंपैक्ट लेना, मैंने सीधे क्या किया, यहां लिख दिया डेप्रिसिएशन 1000 रुपये, और असेट में फर्नीचर, असेट की वैल्यू कम करनी है ना, तो फर्नीचर जो कि वैसे मेरा 10 का है बट मैंने उसे कम किया 10000 माइनस 1000 और मैंने उसे सीधे दिखा दिया 9 का। तो आपने क्या किया, आपने इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया था, अगर आपने रिकॉर्ड किया होता एक बार के लिए, अगर आपने इसे रिकॉर्ड किया होता डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट, आप समझना, अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया होता तो आपने बुक के अंदर फर्नीचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपका 10000 है, आपने यहां लिखा होता डेप्रिसिएशन कितना 1000, तो आपका बैलेंस सीडी बचता कितना 9000, यही होता। और फिर आपने एक बनाया होता डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसके डेबिट साइड में आपने लिखा होता फर्नीचर पोस्टिंग, होपफुली पोस्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1000, तो यहां आपका बचता बैलेंस सीडी कितना 1000, और जब ये बैलेंसेस आपके बचते तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते डेबिट क्रेडिट, फर्नीचर आप उसमें लिखते 9000 का, डेप्रिसिएशन आप उसमें लिखते 1000 का। अरे भाई बैलेंस ईडी है तो इधर बीडी पोस्टिंग होपफुली ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता, यही करते। और फिर उसके बाद क्या होता, ये पी एंड एल में जाता डेप्रिसिएशन 1000 और बैलेंस शीट में फर्नीचर जाता कितने का 9, ये कब होता, अगर मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होता, रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ एडजस्टमेंट में दिख रहा है, अब मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं सकता तो मैंने डायरेक्ट इम्पैक्ट ले लिया, एक तरफ मैंने एक्सपेंस दिखा दिया एक तरफ मैंने असेट, तो आप देखो ये 1000 का है ये 9000 का है, और अगर आपने रिकॉर्ड किया भी होता तो भी यही करते 1000 और 9000। तो अब आपको होपफुली मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए और वो एडजस्टमेंट में दिख रही है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जनरल लेजर क्लोज हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन का सीधे इंपैक्ट ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट में लेते हैं। बात समझ में आ गई, होपफुली आपको अभी तक सिर्फ इतना समझ में आ गया हो कि एडजस्टमेंट क्या है, क्यों की जाती है, और ये मेरी बात क्लियर हो गई हो। नाउ टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन वी नीड टू टेक, वी नीड टू, ओहो अंग्रेजी की गड़बड़, वी नीड टू टेक डायरेक्ट इंपैक्ट इन फाइनल अकाउंट्स। समझ में आ गया, तीन बातें आपको, अच्छा इसमें से अभी आपको ये कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ ये तीन बातें आपको नोट डाउन करनी है, और कुछ भी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट्स अब आपकी शुरू होंगी जो मैं अब आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू करूंगा, सिर्फ आपकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से समझिए, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, रटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आगे, कितना रट लोगे और कितनी एडजस्टमेंट्स, अब आप हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो जहां पर रटने की लिमिटेशन खत्म हो जाती है। चलिए एडजस्टमेंट एक एक करके सारी लेते हैं, सबसे पहले बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपको दिख रहे हैं एडजस्टमेंट में, ठीक है,
तो क्या होती है, आप एंट्री सोचो, प्लीज मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है तो अकाउंट्स बेसिक्स प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जाके देख लो, चार वीडियोस 20-20 मिनट की, पूरा जर्नल सुपर रिवाइज हो जाएगा, प्लीज देख लो अगर हल्की सी भी दिक्कत है तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या एंट्री होती है बताओ, एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यही एंट्री होती है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों, लायबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो जिस जो भी है जिस भी नेचर का, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में, मतलब एक तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, ट्रेडिंग में या पीएनएल में क्या हो जाएगा, डेबिट, और दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। एग्जांपल के तौर पे सपोज हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस सैलरी 10,000, एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 1,000, 1,000 रुपए की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे इसके, देखिए ये मैं पीएनएल लिख रहा हूँ, वैसे आपको पता है ट्रेडिंग पीएनएल इकट्ठा बनता है, सैलरी हम 10,000 नहीं लिखेंगे, 10,000 प्लस 1,000 लिखेंगे, भाई एक्सपेंस है सैलरी है, डेबिट डेबिट प्लस हो गया, कितना हो गया 11,000, और दूसरा जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट में जो भी एक्सपेंस है उसमें प्लस, और बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितने की लिख दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 की। समझ में आ गई बात आपको, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, होते होंगे सर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एंट्री क्या होती है इसकी, सर प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस, क्यों होती है अकाउंट्स बेसिक्स जाके देखो अगर नहीं आती, और आती है तो बस आगे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों होते हैं, मेरी टीम भी हंस रही है मेरी ऐसी बातों पे, बेशर्मो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तुम्हें दिख नहीं रहा है, हंस रहे हो, चलो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है, क्योंकि असेट है, हाँ या ना, और टू एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है मतलब हमें उसे क्या करना है, कम करना। अब यह एंट्री क्यों होती है, प्लीज इसके लिए अकाउंट्स बेसिक्स जाके चेक करिए, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट इसलिए असेट, और यहाँ पर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस कम। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, यहां गिवन है विजेस 80,000, और नीचे आपको एडजस्टमेंट में गिवन है प्रीपेड वेजेस ऑफ रुपीज 5,000। चलो बताओ फटाफट वेजेस कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में, बेशर्मो ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, भूल गए, वेजेस कितनी जानी थी 80,000, बट एक्सपेंस कम करना है कितना 5,000, तो कितना आएगा 75,000, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस वेजेस असेट होता है, तो हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख देंगे प्रीपेड वेजेस कितना 5,000। तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो एक्सपेंस में से क्या कर दिया हमने माइनस, और दूसरा असेट साइड शो कर दिया, और क्यों उसका लॉजिक भी आपके सामने मैंने रख दिया, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस असेट है और टू एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस में से कम हो रहा है, ठीक है।
चलिए ऐसी नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, एकदम बढ़िया बढ़िया। तीसरा, आउटस्टैंडिंग, चलो अब लिख दिया तो लिखने दो, आउटस्टैंडिंग इनकम्स। ओहो, इनकम, कमाई की बात, टू इनकम क्या एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट टू इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट क्यों होता है, क्योंकि असेट होता है और इनकम यहाँ क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब इनकम बढ़ रही, क्योंकि इनकम का नेचर ये याद रखो आप हमेशा, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होगा तो क्रेडिट होगा, इनकम बढ़ेगी और इनकम कम होगी डेबिट क्रेडिट। अब इनकम कम और एक्सपेंस कम कैसे हो सकती है, होपफुली आपको पता हो ये बात, नहीं पता तो अकाउंट्स बेसिक्स। या चलिए आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ट्रीटमेंट इसके दो होंगे, एक तो असेट साइड शो करना है, इनकम यहाँ क्रेडिट हो रही है मतलब इनकम में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। अब इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट रेंट 50,000। बेटा रेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पेड, एक होता है रिसीव्ड। पे करना दुखदाई होता है, रिसीव करना आहा क्या सुकून होता है, मैं पे करता हूँ बेटा मेरी पूछोगे तो रेंट पे, रेंट पे करते हैं तो वो डेबिट साइड आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया। बट अगर रेंट रिसीव करने तो वो क्रेडिट साइड दिखेगा क्योंकि वो इनकम है। तो अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो आप देखोगे वो डेबिट साइड है या क्रेडिट, डेबिट साइड है तो वो एक्सपेंस कैटेगरी का है, क्रेडिट साइड है तो वो इनकम कैटेगरी का है, ठीक है। और एडजस्टमेंट में बेटा लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो बताओ क्या करोगे, बताओ बेशर्मो। सर P&L में जाएगा रेंट तो, हाँ वहीं जाती है ना इनकम, रेंट कितना सर 50,000 है और आपने कहा इनकम में ऐड हो जाएगा 5,000, तो 55,000। और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर सर असेट साइड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 5,000, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की अपने, दैट इज द प्रीपेड इनकम। क्या एंट्री होती है बताओ, इनकम डेबिट। बेटा एंट्री में पक जाओगे मेरी बात सुन सुन के ना, चलो नहीं बोल रहा, वैसे बोल देता हूँ, मैं ही बोलना चाह रहा था, अगर एंट्री में कोई डाउट्स हैं तो प्लीज वो अकाउंट्स बेसिक्स एक बार देख लीजिए। इनकम डेबिट टू प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम क्रेडिट क्यों होती है, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और इनकम डेबिट का मतलब कहीं ना कहीं इनकम क्या हो रही है हमारी, कम हो रही। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक तो लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, दूसरा जो भी इनकम है बेटा उसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, ठीक है, इसमें हमने लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ भी वही होता है, डेबिट में तो एक्सपेंस क्रेडिट में तो इनकम 15,000, कोई एडवांस में ब्याज देता नहीं है बट चलो मान लेते हैं, प्रीपेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,000, तो बताओ कैसे लोगे, P&L में जाता है, किस साइड इनकम है, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट, एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड, गुड, 15,000 इसमें से 2,000 माइनस कर दोगे कितना बचा
13,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या प्रीपेड इंटरेस्ट कितना 2,000। समझ में आ गई बात आपको? तो आपने चार बेसिक एडजस्टमेंट्स तो मेरे साथ अभी तक देख ली। छोटा सा क्वेश्चन करोगे? दे देता हूँ, कर लो, याद रहेगा। तो भूलने की आदत तो बहुत अच्छी होती है वैसे भी हमारी। अरे आजा भाई, ट्रायल बैलेंस। डेबिट भैया, वेजेस 50,000। ये इसके आगे मैंने एक एन एक्सट्रैक्ट लिख दिया, मतलब मैच नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको आइटम के मकसद से दे रहा हूँ, ट्रांजैक्शन वाली आइटम। आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। मैं कुछ आपको ट्रायल बैलेंस में भी दूंगा जानबूझ के। रेंट 40,000, 30,000। इसके बाद मैंने आपको दिया से कमीशन 10,000, 8,000, ठीक है। फिर मैंने आपको दिया, एक चीज और देता हूँ रुको, इंटरेस्ट 10,000। एडजस्टमेंट में दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 10,000। जान मुझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूँ। प्रीपेड रेंटल इनकम ऑफ 2,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल ऑफ रुपीस 3,000। ये मैंने आपको दिया। चलो अब आप मुझे बताओगे कौन सी चीज कहाँ पर जाने वाली है, ठीक है? बताओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी यार, क्यों नाराज हो रहे हो? ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये लो बना दिया। सबसे पहले वेजेस की बात करते हैं। वेजेस, वेजेस को लेके नीचे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो वेजेस मैंने लिख दिया कितना, 50,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में है, जर्नल हो चुका, लेजर हो चुका, सीधा सीधा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका, तो बैलेंस शीट में मैंने यहाँ लायबिलिटी साइड लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितनी लिख दी बेटा, 10,000 रुपये। इसको समझ में आया ना, एडजस्टमेंट में नहीं था तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, मतलब एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में सारे इम्पैक्ट हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग, अच्छा उसके बाद है रेंट। अब ये एक्सपेंस वाला है डेबिट में और वो इनकम वाला। एक्सपेंस वाले को देके देखना कुछ है, रेंटल को लेके तो है बट वो इनकम को लेके है, छोड़ो फिर, ये तो एज इट इज चला जाएगा भाई, हो गया तू। एक्सपेंस वाला रेंट कितना, 40,000, इसको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं। इनकम वाला कितना है, 30,000। रेंट 30,000 आया ना। प्रीपेड रेंटल इनकम है, क्या होगा बताओ? नहीं याद आ रहा है ना? आ रहा है? और प्रीपेड रेंट आपके लिए क्या होता है? रेंटल इनकम है, प्रीपेड मतलब एडवांस वाली, तो आपके लिए लायबिलिटी है कितना, 2,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद कमीशन डेबिट में मतलब एक्सपेंस है, मैं लिखने लगा बट एकदम आया आउटस्टैंडिंग है, ओहो, तो 10,000 प्लस 3,000 आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होगी। आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल कितना आएगा, 13,000 आया ना। और यहाँ पर लायबिलिटी साइड आएगी कितना, 3,000। इसके बाद आया कमीशन क्रेडिट में है, तो क्या है ये, इनकम है और कितनी है, 8, बट एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं नहीं कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही जियो,
आप भी हो, इंटरेस्ट 10,000 डेबिट में है, मतलब एक्सपेंस वाला, बट फिर इसकी एडजस्टमेंट परेशान कर दिया भाई तुमने तो, 10 और 10 ही आउटस्टैंडिंग है, ये भगवान क्या होगा इस देश का, 10 और 10 कितना हो गया 20, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, अगेन लायबिलिटी कितने की 10,000, तो सारा ही लायबिलिटी साइड आ गया यहाँ तो होपफुली मैंने आपको खूब घुमाने की कोशिश करी इस एग्जाम्पल में, और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत है तो इसे एक बार दोबारा देख लीजिए, और दिक्कत तभी आ सकती है अगर आपके जर्नल में प्रॉब्लम है, अगर जर्नल में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसमें अभी तक यार कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी एडजस्टमेंट्स वी विल डिस्कस।